Am I audible and visible to all of you? Am I audible? ठीक है, यस, ओके। सो आज हम बात करने वाले हैं वेव्स की, तो थोड़ी कुछ इंफॉर्मेशन भी होंगी। आई रियली वॉन्ट कि आप इन इंफॉर्मेशन को लिखते भी चलिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से और याद रहे। बहुत स्टैंडर्ड सवाल आते हैं वेव्स में। वेव्स इज अ डिफिकल्ट फिनोमिनन, बट वी कैन, हम सिर्फ अपने फोकस करेंगे कि जेई मेन्स के लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कितनी बातें पता होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू ड्रॉप डॉपलर इफेक्ट बिकॉज एज इट इज नॉट इन द जेई सिलेबस, तो ये सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप करने वाले हैं। बाकी सारी चीजें हम कवर करेंगे, तो प्लीज आप एक बात ध्यान रखिएगा कि लिखते भी चलिएगा क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं और थोड़ा फास्ट करें, हम बात करने वाले हैं वेव्स है क्या। वेव्स है क्या? वेव जो है इट इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इट्स अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स, विदाउट मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफर ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स। यानी असली में मॉलिक्यूल यहां से वहां नहीं जाते, यानी जब मैं बोल रहा हूं तो द साउंड इज नॉट, साउंड तो आपके पास पहुंच रहा है बट द एयर के मॉलिक्यूल है वो आपके पास नहीं पहुंच रहे हैं। देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल, पर द सेम डेफिनेशन वाज इन द कंडक्शन आल्सो, बिकॉज़ कंडक्शन की भी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कंडक्शन की डेफिनेशन में भी यही होता है कि द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट मैक्रोस्कोपिक ट्रांसफर ऑफ द मीडियम मॉलिक्यूल। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन एंड वेव, तो वेव और कंडक्शन में डिफरेंस क्या है? तो वेव और कंडक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि कंडक्शन में जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है इट हैपेंस बिकॉज ऑफ रैंडम मोशन, इट मींस मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव, molecules randomly move, free electrons randomly move and transfer energy from one place to another. But in waves, the motion is very ordered. यानी कि यहाँ पर क्या होगा? Transfer of energy तो है, transfer of energy तो है, पर साथ में यहाँ पर important बात ये है, in ordered manner. Ordered manner का मतलब बहुत important है. सबसे important line यही है, ordered manner. Ordered manner का मतलब होता है every particle copies its previous particle. It means हर पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल जैसा मोशन करने वाला है, यानी ये बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा पहले पार्टिकल ने किया था। फॉर एग्जाम्पल हर पार्टिकल सेम चीज कॉपी करता है, अगर ऐसा नहीं हो रहा होता तो मैं बोल कुछ और रहा होता और आपको सुनाई कुछ और रहा होता कि रैंडम होते, तो मैं किस तरह से वाइब्रेशंस करा रहा हूं, मॉलिक्यूल्स को मूव करा रहा हूं और आपके कान का पर्दा ईयर ड्रम जो है वो डिफरेंट तरीके से रैंडमली वाइब्रेट करता तो आपको हूं सुनाई देता, बट यू आर नॉट लिसनिंग माय वॉइस बिकॉज यू कैन लिसन मी ओनली इफ इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ मोशन इज देयर एट योर ईयर ड्रम। आपके ईयर ड्रम पे भी सिमिलर मोशन होगा तभी आपको वही बात सुनाई देगी और सबको वही बात सुनाई दे रही है। आई होप अगर मैं किसी मैट्रिक्स में नहीं रहता तो मुझे उम्मीद है कि मैं जो बोल रहा हूं वही सबको सुनाई दे रहा होगा व्हेन आई एम स्पीकिंग समथिंग, बिकॉज ये अज्यूम कर रहा हूं कि ये सच है और ऑब्वियसली ये सच है। मैट्रिक्स में नहीं है कि मैं अकेला हूं और आप सब लोग एग्जिस्ट नहीं करते, ऑब्वियसली यू ऑल एग्जिस्ट एंड दिस इज अ रियल वर्ल्ड, दिस इज नॉट मैट्रिक्स। आई एम नॉट बिलीवर एट दिस मोमेंट ऑफ मैट्रिक्स की ऐसी चीजों की सब कुछ इल्यूजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं जो बोल रहा हूं वही आपको सुनाई दे रहा है, इसका मतलब है कि सबके कान का ईयर ड्रम सिमिलर टाइप का वाइब्रेशन कर रहा है, नहीं तो सबको अलग अलग चीजें सुनाई देती। क्या आपको सबको सेम चीजें सुनाई दे रही है? ऑब्वियसली सबको सेम चीजें सुनाई दे रही है, ये एक अजम्पशन है, पर इस पे भी काफी विवाद किया जा सकता है, बात की जा सकती है, पर वी आर एज्यूमिंग कि ऐसा हो रहा है। तो ऑर्डर्ड मैनर का मतलब होता है एवरी पार्टिकल कॉपीज its previous particle. सब पार्टिकल अपने प्रीवियस पार्टिकल को कॉपी कर रहे हैं, सब अपने प्रीवियस पार्टिकल को कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्टली। अब द ओनली डिफरेंस, सिमिलर मोशन होता है, अब यहां पर सेम नहीं कह रहा हूं मैं, सिमिलर मोशन कह रहा हूं, बिकॉज हो सकता है कि मैंने अपने पार्टिकल को SHM कराया और SHM करा के उसका एम्पलीट्यूड 5 mm रखा और फ्रीक्वेंसी रखी 250 Hz, तो आप सबके कान के पर्दे के पास जो ईयर ड्रम है आपका ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, वो
जितने अगर मैंने 50 हर्ट्ज रखी है तो आपका भी 50 हर्ट्ज से ही वाइब्रेट करेगा, लेकिन अगर मेरा 5 mm एम्पलीट्यूड है तो आपका 5 mm नहीं होगा, कुछ कम होगा, बिकॉज एम्पलीट्यूड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी इज डेफिनेटली डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इंटेंसिटी चेंज हो रही है, इसलिए मैंने कहा सिमिलर मोशन करता है. एंड यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज इफ यू सीइंग दैट एनएमएस सर इज सेइंग समथिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं धीरे बोल रहा हूं या मैं चिल्ला रहा हूं, इन बोथ केसेस यू आर आइडेंटिफाइंग दैट इट इज द वॉइस ऑफ एनएमएस सर, इट मींस यू आर आइडेंटिफाइंग द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमेशा फिक्स रहती है. इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट. फ्रीक्वेंसी इज सोर्स डिपेंडेंट. मेरी आवाज अगर यहां पर फिशेस भी सुन रही होंगी पानी के अंदर अगर होंगी तो उनको भी सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी. फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है, इज सोर्स डिपेंडेंट. फ्रीक्वेंसी जो है वो सोर्स पे डिपेंड करती है. और इंटेंसिटी, अंतर समझिएगा, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी साउंड्स वेरी सिमिलर, बट इंटेंसिटी मींस लाउडनेस, हाउ लाउड, हाउ ब्राइटनेस इज देयर. आई मीन अगर मैं धीरे बोल रहा हूं तो सर की फ्रीक्वेंसी अभी भी वही है लेकिन उनकी कम हो गई. अगर मैं चिल्ला रहा हूं तो इंटेंसिटी एनएमएसर की बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी अभी भी सेम है, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर दी भगवान ने मेरा ये गला बनाकर. जैसा मेरा गला है वैसी ही फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी हमेशा सोर्स पर डिपेंडेंट है. जैसे कि स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर आप थोड़ा सा खींचेंगे तो वो SHM करेगा और उसका एम्पलीट्यूड छोटा होगा क्योंकि हमने थोड़ा खींचा है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी रूट के बाई एम है, ओमेगा की वैल्यू. अगर आप उसको ज्यादा भी खींचेंगे तो बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में ऑसिलेट करेगा पर उसकी फ्रीक्वेंसी अभी भी रूट के बाई एम है. तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स और हाउ द सोर्स इज बीइंग क्रिएटेड उसके ऊपर डिपेंड करती है. तो फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज सोर्स डिपेंडेंट. जे में इस पर भी सवाल आया हुआ है कि आवाज जो थी वो एयर से वॉटर में गई तो फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा. आंसर इज फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज by source and it is the pehchan of awaaz that NMS sir is saying something, it means it is his frequency, ye unki awaaz hai. To frequency intensity frequency mein difference hone mein aana chahiye. Good, ab baat hum karte hain ki ye baat samajh mein aa gayi, transfer of energy hai ye baat samajh mein aa gayi. Ab waves ke sabse pehle hum type ki baat karenge, what type of waves we have. So whenever we are going to talk about ki what type of wave we have, so we have, whenever somebody is saying ki please tell me type of waves, suppose I ask you what type of cars you have in the market. So if somebody asks what type of cars you have in the market, then obviously this is not a right question because you have to ask what type of car on the basis of some particular property. What does that mean? For example, if somebody asks what type of car you have, kitni tarah ki car hai duniya mein, to aap is sawal ka koi matlab nahi hai jab tak main ye kahu ki on the basis of fuel. Now you can say there are petrol car, diesel car, CNG, LPG, electric car, hydrogen driven car, yani hydrogen energy se jo chalne wali car, to ye aapne fuel ke hisab se car bataya. So similarly when I or agar main pucha ki utility point of view se car kitni tarah ki hoti hai, then you will say ki there will be hatchback, there will be sedan, there will be station wagon, there will be SUV, there will be MUV, there will be MUT, there will be SUT, there are a lot of possibilities are there. So whenever somebody asks ki how many type of waves are there, then obviously the question is on which basis. So sabse pehla point hai on the basis of propagation. Propagate kaise kar rahi hai uske basis par. To propagation ke basis par वेव की अगर हम बात करें तो वेव तीन तरह की होती है. नंबर वन, जैसे कि एक ही डायरेक्शन में जो वेव चल रही है, इस तरह की एक ही तरफ चल रही है, इट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल वेव. वन डायमेंशनल वेव, इट इज वन डायमेंशनल वेव. वन डायमेंशनल वेव है हमारे पास. और इसमें अगर आप देखें तो क्या मैं कह सकता हूं कि एनर्जी इस सरफेस पे जब पहुंची होगी एक साथ पहुंची होगी, एनर्जी इस सरफेस पे एक साथ पहुंची होगी, एनर्जी इस सरफेस पे एक साथ पहुंची होगी. तो जिस सरफेस पे एनर्जी एक साथ पहुंचती है उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं, उसे हम वेव फ्रंट कहते हैं. तो इसके अगर वन डायमेंशनल वेव है तो इसके वेव फ्रंट की अगर हम बात करें तो इसके वेव फ्रंट प्लेन्स होंगे, इसके वेव फ्रंट्स प्लेन होंगे. इसलिए वन डायमेंशनल वेव इज ऑल्सो नोन एज, बिकॉज नेम इज कंफ्यूजिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव. When somebody says it is a plane progressive wave, it means they are talking about one dimensional wave. Because sometimes a plane give you sense of a 2D. So kahin lagegi yaar two dimensional wave to nahi hai. No, it is not two dimensional wave, it is one dimensional wave because its wave fronts are planar. So what is the definition of wave front? Ek naya term humne padha, is pe bhi kafi sawal aate hain. Wave front is the सरफेस वेयर एनर्जी रीचेज एट द सेम टाइम, जहां पे एनर्जी एक साथ पहुंचती है उसे ही वेव फ्रंट कहते हैं. आई होप मेरी बात ये क्लियर हो रही है. क्लियर?
गुड गुड गुड। तो वेव फ्रंट जो है एक साथ जहां पर आ रहे हैं उसे ही हम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अच्छा मुझे बताइए, इस सरफेस पे जो एनर्जी पहुंची, क्या इस सरफेस पे सेम एनर्जी पहुंचेगी? बिकॉज सेम एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड। और इस सरफेस पे भी सेम, सॉरी, इस सरफेस पे भी सेम एनर्जी पहुंचेगी और आगे भी सेम एनर्जी पहुंचेगी, इस सरफेस पे भी सेम एनर्जी पहुंचेगी। क्या जो एनर्जी यहां से निकल रही है वही सेम एनर्जी यहां पहुंच रही है? वही सेम एनर्जी यहां पहुंच रही है? क्या वही सेम एनर्जी यहां पहुंच रही है? क्या एनर्जी हर जगह सेम पहुंच रही है? इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं किसी छोटे से एरिया को कंसीडर करूं तो एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज सेम एट एवरी पॉइंट, हियर 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 हियर। इट मींस हाउ फार यू आर फ्रॉम द वेव, इट डज नॉट मैटर। एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज सेम। दैट्स व्हाई वी से कि वन डायमेंशनल वेव में इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रहती है। तो वन डायमेंशनल वेव का नाम हो गया प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और इसमें इंटेंसिटी हर जगह कांस्टेंट रहती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। द सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी द सेकंड पॉसिबिलिटी ए कह देता हूं, लेट्स से इट इज बी। द सेकंड पॉसिबिलिटी इज टू डायमेंशनल वेव। यू कैन अज्यूम दैट द सोर्स ऑफ द वेव इज अ लीनियर, देयर इज अ, for example you have a tower speaker, linear speaker you have, so linear speaker you have, let's say this is a linear speaker, then energy is falling in all possible direction, but it is spreading in two dimension, so energy yahan se linear source hai, usse energy aise 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 har jagah nikal rahi hai, yahan se bhi aise 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 har jagah nikal rahi hai, to ek cylinder par ek saath pahunch rahi hai। Can you see a cylinder एक बनाएंगे, उस पर एनर्जी एक साथ पहुंच रही होगी, तो एनर्जी ये टू डायमेंशनली ग्रो कर रही है। तो इस टू डायमेंशनल वेव का दूसरा नाम है सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। दिस इज कॉल्ड सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी, जब मैंने बोल दिया तो ये एनर्जी बढ़ती चली जा रही है, रुक नहीं रही है, आगे 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 बढ़ती चली जा रही है। That's why we call it progressive wave. Why you need to say progressive wave? There is a, if the basic fundamental of wave is the propagation of energy, why you are using progressive? Because later we will study about standing wave. It mean in that case energy is not propagating in one direction, ya har taraf बढ़ नहीं रहती, वो किसी छोटे से रीजन में ही फ्लक्चुएट करती रहती है, इसलिए हमने इसका नाम प्रोग्रेसिव वेव रखा। लेटर वी विल स्टडी स्टैंडिंग वेव, इन दैट केस स्टैंडिंग वेव एनर्जी इज नॉट प्रोग्रेस, एनर्जी विल नॉट प्रोग्रेस इन वन डायरेक्शन, इट विल फ्लक्चुएट इन स्मॉल रीजन। दैट्स व्हाई वी नेम इट सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव वेव। इसमें क्या होगा आप मुझे बताइए, द सेम एनर्जी रीचेस टू दिस सिलेंडर एंड द सेम एनर्जी रीचेस टू द बिगर सिलेंडर, बट बिगर सिलेंडर हैज मोर एरिया, बिगर सिलेंडर हैज more area, what does that mean? If bigger cylinder has more area, it means ki energy will be reaching same, but per unit area energy will be lesser, because the same energy is spreading from one cylinder to another cylinder, then energy is progressing, energy is reaching to the bigger cylinder, the per unit area energy reaching will be less because area is increasing. So can I say area is proportional to area is actually 2 pi RL, area is actually 2 pi RL, is it? The area is 2 pi RL, it means L is fixed because the length of the cylinder is fixed, it means as you increase the radius the area will increase proportional to radius, so area will increase proportional to radius, the same energy is being transmitted, same power is being transmitted, because jo ye nikal raha hai wahi phail rahi hai, isko bhi wahi mili, isko bhi bahar wale ko bhi wahi mili, so same energy is being transmitted but the area is increasing, in that case we'll say intensity is proportional to 1 by R, power is constant because obviously energy same pahunch rahi hai, per unit area jo pahunch rahi hai wo different hai, so intensity is proportional to 1 by R is in this case, and it is called cylindrical wave. So whenever somebody says cylindrical wave, to remember one thing, that as you go away this radius, as you go away the radius will increase, intensity will decrease. I hope it is clear to all of you, is it? Very good. So moving further, the third possibility, it is called three dimensional wave ka matlab hai point source hai, energy har direction mein flow kar rahi hai, then obviously you will see that it will reach to the sphere. So three dimensional wave is also known as spherical progressive wave, and I hope you can see the same energy is being transferred, the power is constant, but as you go up
as you go away from the source, the surface area of the sphere will increase, and surface area is proportional to 4 pi, is proportional to r square. So intensity, it means energy reaching per unit time, per unit area, will decrease as a function of 1 by r square. So in this case, intensity is proportional to 1 by r square. So this is the first way of classification of a wave, in which we have defined three kind of waves. Number one is one dimensional, number two is two dimensional, number three is three dimensional. Three dimensional wave may, what you have to remember in the three names, actually, the three things you have to remember. First of all, you have to remember the shape of the wavefront, because they will ask you shape of the wavefront. The another thing they will ask you intensity variation. So in the case of plane progressive wave, intensity is one dimensional, intensity is constant. In two dimensional, intensity is proportional to 1 by r. In three dimensional, intensity is proportional to 1 by r square. And the name, the first is called plane progressive, the second is called cylindrical progressive, and third is called spherical progressive wave. I hope it is clear. Is it? Cool, 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 cool. Now, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद और समझते हैं. अब एक दूसरी तरह का वेव, दूसरे तरह का क्लासिफिकेशन आया ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स. मीडियम मॉलिक्यूल कैसा मोशन करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल्स, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम मॉलिक्यूल. मीडियम मॉलिक्यूल, फॉर एग्जाम्पल, देर आर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड एंड द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर. अच्छा, एक और बात, हम पूरी पढ़ाई में प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के बारे में ही पढ़ेंगे, बिकॉज द फर्स्ट टाइम वी आर इंटरेक्टिंग, वी आर अंडरस्टैंडिंग वेव्स इन जेई सिलेबस. ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट स्टेप, कि जेई में हम लोग पहली बार 11th 12th में हम पहली बार वेव्स को पढ़ते हैं. तो अभी वो इंटेंसिटी वेरिएशन या एम्पलीट्यूड की वेरिएशन की बात ना करके वो कहता है कि भैया अभी तुम प्लेन प्रोग्रेसिव वेव पढ़ लो, बाकी तो तुम समझ जाओगे, मैथमेटिकली चेंज होगा और कुछ चेंज नहीं होगा. तो वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट प्लेन प्रोग्रेसिव वेव फ्रॉम नाउ. Until unless it is given spherical wave or cylindrical wave, then only. Otherwise, everything about wave will be discussed in the form of plane progressive wave only. Okay. Now, if you try to vibrate this molecule, then this will pass its energy to this molecule, this will pass energy to this molecule, this will pass energy to this molecule, and so on and so on. So energy is being transferred in this direction. So energy is being transferred in this direction. That means we say ki wave is going in this direction. Wave is going means it is an intangible thing which is going. I mean, you cannot touch wave. Jab bhi hume koi kehta wave chal rahi hai, to hume aise aise lagta wave chal rahi hai. No, wave is transfer of energy. It moves in a straight line. So wave, अगर कोई बोलेगा एनर्जी चलना, एनर्जी प्रोपगेशन ही वेव कहलाता है. एनर्जी प्रोपगेट कर रही है आगे की तरफ, इसी को हम कहते हैं वेव इज मूविंग. वेव इज मूविंग. तो नेवर एवर अंडरस्टैंड कि somebody says, if you are, for example, there are two kind of student. One is आर्टिस्टिक टाइप का बंदा, उससे बोले वेव चला के दिखाओ, तो यू 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 करके वेव चलाएगा. एंड इफ समबडी आस्क यू कि यार वेव चला के दिखाओ, आपको ये लो. So, आप भले ही बहुत अच्छे नहीं दिख रहे होगे वेव चलाते, आप बहुत नीरस दिखाई दे रहे होगे, बट यू आर डूइंग इट राइट, बिकॉज वेव डज नॉट गो लाइक दिस. वेव गोज इन स्ट्रेट लाइन. वेव मीन्स एनर्जी का ट्रांसफर, तो वो स्ट्रेट लाइन में होता है. तो एनर्जी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो ये वेव इधर की तरफ मूव कर. नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी. Either I can give the motion to this particle in this line. अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर नीचे करूंगा, तो ये वाला पार्टिकल भी थोड़े समय बाद एनर्जी यूं चलेगी. ये है एनर्जी यानी वेव, और ये है पार्टिकल. पार्टिकल, तो ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे करेगा, ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे करेगा, बिकॉज सिमिलर मोशन करना है. ये पार्टिकल भी ऊपर नीचे करेगा. तो हैव यू नोटिस हियर इन दिस पर्टिकुलर थिंग? यस यस. तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि अगर पार्टिकल ऊपर नीचे कर रहा है और एनर्जी इधर की तरफ जा रही है, इट मींस द मोशन ऑफ द टू. मोशन ऑफ द टू मींस एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी प्रोपगेशन एंड डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल प्रोपगेशन. दे पार्टिकल मोशन, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड वी कॉल दिस काइंड ऑफ वेव इज ट्रांसवर्स वेव. वी कॉल इट ट्रांसवर्स वेव. And if you are padha likha insan, you also call it shear wave. It is also known as shear wave. So transverse wave or shear wave, both names are correct. And example, wave on a string.
if there is a string, you hold one end and you vibrate it like this, the particle moves like this and energy propagate like this. So wave example kya hua iska? Example hua wave on a string. Wave on a string. So wave on a string do cheezon ka example hai. It is wave on a string is one dimensional transverse wave. Wave on a string is one dimensional transverse wave. Another example of transverse wave is a water ripple. वॉटर रिपल. अगर हम वॉटर रिपल की बात करें तो आपने पानी में अगर आपने देखा हो तो पानी में आपको सर्कल्स ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं तो ये एनर्जी का प्रोपेगेशन दिखाई देता है. बट इफ यू पुट अ कॉर्क हियर अ थर्मोकोल हियर देन थर्मोकोल पार्टिकल और कॉर्क पार्टिकल विल गो अप एंड डाउन. इट मीन्स पार्टिकल मूव अप एंड डाउन एनर्जी इज प्रोपेगेटिंग इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज टू डायमेंशनल. दिस इज वॉटर रिपल इज नथिंग बट इट इज टू डायमेंशनल ट्रांसवर्स वेव. It is two-dimensional transverse wave. I hope it is clear. It is clear? Good. So it is two-dimensional transverse wave. So ye hamare paas one-dimensional, two-dimensional transverse wave ki example ho gaya. Inko shear wave bhi kehte hain. The second possibility is that if you, one very very important thing. आप मुझे बताइए, इफ इस पार्टिकल को मैंने ऊपर नीचे किया और ये पार्टिकल ऊपर नीचे किया, अगर इनके बीच में फोर्स नहीं होता, अगर इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, तो क्या इस पार्टिकल को ऊपर नीचे करने से ये वाला पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंच पाती? फॉर एग्जाम्पल, यू गाइज आर स्टैंडिंग इन अ रो एंड नोबडी इज होल्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, यू आर स्टैंडिंग हियर, योर फ्रेंड इज स्टैंडिंग हियर एंड यू आर गोइंग अप एंड डाउन, बाई एनी मीन कैन यू ट्रांसफर एनर्जी टू योर फ्रेंड? नो, ऑब्वियसली यू कैनॉट ट्रांसफर बिकॉज देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन यू. You and your friend, but suppose you and your friend have hand in hand. आपके और आपके friend का हाथ हाथ में होता, तो अगर आप ऊपर नीचे करते, तो क्या आपका friend भी ऊपर नीचे करता? Yes, it means for transverse wave propagation, what you need for transverse wave propagation, you need a force between molecules. You need force between molecules. Otherwise, that is the reason. Why a wave cannot be created in a string which has no tension? If there is no tension, there is no molecular force between them. So obviously, in that case, you cannot create wave. So agar ek rassi padi hui hai without tension ke, to aap ek end ko hilayenge to wave create nahi hogi. Ki transverse wave create karne ke liye kya chahiye? Rigidity chahiye. Rigidity chahiye. And that's why yahan par molecule ke beech ka force chahiye. There must be. Acha ek baat bataiye. If this, for example, this situation is that. तो अगर इस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे करेंगे तो ये इस लेयर ऑफ मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे कराने के लिए क्या ये इस पे ऐसे फोर्स लगाएगा? ओके, तो कैन यू सी दिस इज अ शियर फोर्स. दिस शियर फोर्स बिकॉज शियर फोर्स इज द जैसे एरिया ये है तो ऐसा कोई फोर्स लगता है उसे शियर फोर्स कहते हैं. ऐसा कोई फोर्स लगता है उसे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स कहते हैं. तो इसीलिए इस वेव का दूसरा नाम शियर वेव भी था. और ये तभी हो सकता है जब उनके बीच में बॉन्डिंग हो. तो जिसमें शियर स्ट्रेंथ नहीं होती, जिन फोर्सेस में, जिन मीडियम में शियर स्ट्रेंथ नहीं होती, यानी एक दूसरे पे शियर फोर्स नहीं लगा सकते हैं, उन मीडियम्स में ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं की जा सकती. इसीलिए आइडियल फ्लूड में चाहे गैस में ट्रांसवर्स वेव नहीं बन सकती बिकॉज आइडियल फ्लूड कभी भी कोई शियर फोर्स नहीं लगा सकता. तो आइडियल फ्लूड में ट्रांसवर्स वेव का जनरेशन इम्पॉसिबल है. आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर. कूल. तो अब अगली पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि मैंने इस पार्टिकल को आगे पीछे चलाया तो ये भी आगे पीछे गया. तो इस समय लाइन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एंड एनर्जी प्रोपगेशन आर इन द सेम डायरेक्शन. लाइन ऑफ मोशन इज दिस एंड एनर्जी प्रोपगेशन इज दिस. दे आर इन द सेम डायरेक्शन. इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन वी कॉल दिस काइंड ऑफ वेव एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड इन जनरल पीपल कॉल इट साउंड. साउंड अगर कोई बोल रहा है इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट लॉन्गिट्यूडनल वेव. इवन यू हैव अ सेंस ऑफ हियरिंग और नॉट, इट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव. इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव ही कहते हैं चाहे आपको सेंस ऑफ हियरिंग आए ना आए, बिकॉज ऑल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर नोन
कॉमनली एज साउंड वेव। अच्छा आप मुझे बताइए, क्या आपका आपका दोस्त, आप और आपका दोस्त यहां खड़े हैं, यू एंड योर फ्रेंड इज हियर, एंड फॉर एग्जांपल आप आगे पीछे कर रहे हैं और आपका दोस्त और आपका आपका हाथ पकड़ा हुआ नहीं है, कैन यू आपके मोशन से क्या ये आपका फ्रेंड भी हिल सकता है? हाँ, हिल सकता है, क्योंकि आप टक्कर मार के हिला दोगे उसको, अगर वो ऐसे नहीं हिल रहा है तो आप टक्कर मार के हिला दोगे। तो इसका मतलब है कि इसमें हाथ पकड़े होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी क्रिएटेड इन एनी डैम मीडियम, इन एनी मीडियम, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी क्रिएटेड इन एनी मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वेव को कोई नहीं रोक सकता, हर मीडियम में चलती है, इसलिए साउंड कैन प्रोपगेट इन एनी मीडियम। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बताइए, आपने किसी ने मुझे बॉल कराई और मैंने उसको बैट से हिट किया, मेरा बैट कमजोर था और मेरे हाथ में एक वाइब्रेशन पहुंचा बैट को, तो मैंने बॉल को नीचे हिट किया पर बॉल हैवी थी, मेरा बैट कमजोर था, मेरे हाथ में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, मेरे हाथ में वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, मेरे हाथ में जो ये वाइब्रेशन क्रिएट हुआ है ये कौन सी वेव थी, कौन सी वेव मेरे हाथ में पहुंची? ट्रांसवर्स। बहुत ही बढ़िया। व्हाई ट्रांसवर्स? बिकॉज अगर आप देखें ये आपका जो बैट है आपके पास यहां हिट हुआ है, तो यहां जब हिट हुआ होगा तो ये मॉलिक्यूल आगे पीछे वाइब्रेट करेगा, इसने अपने मॉलिक्यूल इसको आगे पीछे वाइब्रेट कराया, इसने इसको आगे पीछे वाइब्रेट कराया, तो एनर्जी यू चल रही है, मॉलिक्यूल आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब है ट्रांसवर्स वेव जनरेट हुई। और अगर मैंने अपने बैट को जमीन पे ठक 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 ऐसे किया, यानी यू हिट किया, अब मेरे हाथ में जो वाइब्रेशन पहुंचेगा कौन सी वेव है? लॉन्गिट्यूडनल। बिकॉज इफ यू हिट इट हियर, तो आपने इस पार्टिकल इस बैट को आपने यहां हिट किया तो ये मॉलिक्यूल ऐसे मूव किए, इसने इसको ऐसे मूव कराया, इसने इसको ऐसे मूव कराया, इसने इसको ऐसे मूव कराया, तो एनर्जी भी इधर चल रही है, पार्टिकल भी इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और लैब में ये दोनों तरह की वेव जनरेट करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक, विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग फोक। ट्यूनिंग फोक क्या होता है? दिस इज द ट्यूनिंग फोक, दिस इज द ट्यूनिंग फोक, दिस इज कॉल्ड प्रोंग, जिसको हम हिलाते हैं, दिस इज कॉल्ड हैंडल। एंड वंस ट्यूनिंग फोक इज क्रिएटेड, इट विल क्रिएट द सेम फ्रीक्वेंसी, बिकॉज मैंने आपसे बोला था फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। इफ गॉड हैज क्रिएटेड माय गला, इट मींस द फ्रीक्वेंसी इज क्रिएटेड, फ्रीक्वेंसी अब बदलेगी नहीं। हाउ द फ्रीक्वेंसी विल चेंज? इफ मेरा गला खराब हो जाए, कफ हो जाए, यानी उसमें आपने मीडियम चेंज कर दिया, कुछ बदलाव किया, देन ओनली फ्रीक्वेंसी विल चेंज। इसी तरह ट्यूनिंग फोक जब आप मार्केट में खरीद के लाएंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड हो गई कि ये जब भी इसका प्रोंग वाइब्रेट करेगा, चाहे धीरे मारोगे तो धीरे वाइब्रेट, छोटे एम्पलीट्यूड वाइब्रेट करेगा, तेज हिट करोगे, एक रबर पैड आता है, एक रबर पैड दिया जाता है, उस रबर पैड पे हम प्रोंग को हिट करते हैं और प्रोंग वाइब्रेट करने लगता है। पर प्रोंग वाइब्रेट हार्ड हिट करने पर प्रोंग बड़े एम्पलीट्यूड से हिट करेगा, दो हिट करने पर प्रोंग छोटे एम्पलीट्यूड से हिट करेगा, पर उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स रहती है जो कि ये हैंडल पे लिखी रहती है, लेट्स से 256 हर्ट्ज। तो दिस इज हाउ प्रोंग विल वर्क। तो प्रोंग इस तरह से काम करता है। एंड हाउ यू कैन चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोक? व्हाट इज द वे ऑफ चेंजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक? कैन यू चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक? कैन यू चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक? Obviously, the answer is no. Tuning fork is made, its frequency is fixed. You can change frequency of tuning fork. How you can change your sound? Aapke frequency, aapki awaaz ki pehchan, aap kaise badalte hain? Aapki awaaz ki pehchan kaise badalti hai? For example, aapka gale mein cough aa gaya, to awaaz badal jati hai. Ya spring mass system ka omega hota hai, under root K by M. How you can change the spring mass system ka omega? Either you change the spring or you change the mass. Either you change my vocal cord, aap change kar dijiye, then meri frequency change rahegi. So you can change the frequency of tuning fork by changing tuning fork. By changing tuning fork. And what does it mean? There is no need to change it literally. I mean, you need not to buy another tuning fork to come up with a new frequency. What you can do, you can, for example, there is a prong. You can put some wax on the prong. If you put some wax on the prong, agar is prong par aapne wax dal di, to iska mass badh jata hai. इसका मास बढ़ जाता है, तो आप अगर ओमेगा स्प्रिंग वाले से ही कंपेयर कर लें, अंडर रूट के बाई एम से, तो अगर इसका मास बढ़ जाता है, यानी बाय एडिंग वैक्स ऑन द प्रोंग, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोंग विल डिक्रीज। एडिंग वैक्स
फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, और अनदर पॉसिबिलिटी यू कैन फाइल इट, यू कैन फाइल इट इफ यू जस्ट एज यू फाइल योर नेल्स द सिमिलर वे यू कैन फाइल दैट प्रॉन्ग. इफ यू फाइल द प्रॉन्ग देन ऑब्वियसली फाइलिंग प्रॉन्ग इसका मास कम हो जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. This is how tuning fork works, and what why I have introduced tuning fork here, because I have introduced tuning fork because I said basically tuning fork can create transverse as well as longitudinal wave. For example, एक ये pipe है. इस pipe में अगर मैंने tuning fork को ऐसे रखा vibrate करा के, तो ये molecule ऐसे vibrate किए, इसने हवा के molecule को ऐसे, इसने हवा के molecule को ऐसे, इसने हवा के molecule को ऐसे, तो इसने क्या wave बना दी? Longitudinal wave create कर दी. अगर आपने tuning fork ऐसे लिया और आपके पास एक rod थी और आपने tuning fork ऐसे लिया और आपने इसको वाइब्रेट कराया, इसने इस मॉलिक्यूल को हिलाया, ये आगे पीछे, फिर ये आगे पीछे, फिर ये आगे पीछे, फिर ये आगे पीछे, तो इसने कैसी वेव क्रिएट कर दी? ट्रांसवर्स. तो ट्यूनिंग फोक इज यूजफुल फॉर क्रिएटिंग ट्रांसफर एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव. आई होप वी अंडरस्टूड द क्लासिफिकेशन ऑफ वेव. ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेव क्या हुआ, इसमें बहुत सारे टर्म समझ में आ गए हमें, क्या क्या चीजें होती हैं. आई होप इट इज क्लियर. इज इट कूल? Now, as I said, the wave propagates. So, how this wave propagates? So, what is the how this wave propagates? Wave propagation depends on the inertia and elasticity of the medium. Inertia and elasticity of the medium. And in transverse wave, you need force also. But in the case of longitudinal wave, if their inertia is more, it means they are lazy molecules. So obviously they will not transfer energy. So obviously increasing inertia will decrease the speed of wave. So we are not going to derive it because we don't have sufficient time for derivations and all. So what we are going to do, we just write down the formula of the wave, for wave speed. So wave velocity ki agar hum baat kare to ek ho gayi transverse wave aur ek ho gayi longitudinal wave. तो ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी होती है अंडर रूट सिग्मा बाय रो. सिग्मा इज द स्ट्रेस. इफ द स्ट्रेस, बिकॉज द इंटरनल फोर्स इज रिक्वायर्ड, इफ देयर इज नो फोर्स देयर विल बी नो ट्रांसवर्स वेव. द स्ट्रेस इज देयर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट, देन द ट्रांसवर्स वेव वेलोसिटी इज अंडर रूट सिग्मा बाय रो. रो इज द डेंसिटी. डेंसिटी मींस इनर्शिया. इफ इनर्शिया इज मोर, द वेव स्पीड विल बी लेस, एंड इट इज अंडर रूट यंग्स मॉडुलस बाय रो और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बाय रो. Young's modulus by rho or modulus of elasticity divided by rho. ये transverse wave की velocity का formula है. And ये क्या आपको wave चलते हुए दिखाई दे सकती है कभी? Can you see wave moving? No. You cannot see wave moving, beta. आप wave को चलते हुए नहीं दे सकते. Wave is intangible form of energy. Intangible चीज move कर रही है. There is no sense of, our five senses cannot sense it. What we can see only the molecules motion. अगर रस्सी में चल रही है wave, तो हमें molecule के motion दिखाई दे रहे हैं. Molecule energy नहीं दिखती है हमें move करते हुए. तो obviously ये intangible चीजों की velocity की form है. तो ये हमें पता होना चाहिए. This is a wave. Okay. So sigma क्या चीज हो गई? Sigma is our stress. Rho is density. Y की जगह मैं थोड़ा और better लिख देता हूँ, because in all medium elasticity upon rho. E is called modulus of elasticity. Modulus of elasticity and rho is definitely density. Density. So, अब इसके कुछ usable form बना लेते हैं velocity of wave के. अगर हम string में बात करने वाले हैं, तो it comes out under root T by A. Tension upon area will become stress. Tension by A into rho. Area of cross section into density become mass per unit length. So, this formula is under root T by mu. Mu is mass per unit length, because area and density multiplied to give mass per unit length, and T is of course tension. And longitudinal wave की बात करें तो solids में आपके पास velocity का formula हो गया Young's modulus divided by rho. Liquids में आपके पास velocity का formula हो गया under root B by rho, bulk modulus divided by rho. Bulk modulus divided by rho, because modulus of elasticity is called bulk modulus in the case of liquid. Young's modulus and bulk modulus. In gases,
In gases, we know the bulk modulus because Laplace was a scientist who said कि when sound propagates, जब sound चलता है तो sound के चलना एक fast process है. Fast process होने के कारण it has to be adiabatic. And in adiabatic process, the bulk modulus is defined as gamma p. Because we don't have time to, अब मैं उसको अभी नहीं कर रहा हूं, पर ये याद रखेंगे बाद में. Adiabatic process में bulk modulus की value gamma p के बराबर होती है. तो bulk modulus की value gamma p बराबर होती है, तो gases में velocity आ जाता है under root gamma p by rho. Gamma क्या चीज है? Adiabatic constant, Cp by Cv. Monodynamic के लिए 5/3. I hope you have heard this, isn't it? Gamma symbol सुना है ना हमने? Good. So gamma p by rho, and it is written as under root gamma rt by m, because p by rho can be written as rt by m by the ideal gas equation p equal to nrt, which can be written as p equal to rho rt by m. P is equal to rho rt by m. It means p by rho is rt by m. I hope I'm making sense here. Cool. So in gas, velocity is given as gamma RT by M. So remember, what kind of questions can be there in transverse wave velocity and the gases, and in the gases, the longitudinal wave velocity, because it is a very interesting phenomena. Because if you see the velocity of transverse wave is under T by mu, so it opens for them, the whole mechanics is open now. Because whenever there is a question to calculate tension, there is a question to calculate wave speed. It means transverse wave speed ka calculation koi pooch raha hai, to ye actually aapse mechanics ka sawal pooch raha hai, because wo tension nikalna aapko aana chahiye. Bina tension nikale aapka sawal nahi ho sakta. To main ek chote se example ke through aapko samjhane ki koshish karta hu. Let's say we have two strings of mass per unit length mu, and mu, both have mass per unit length mu. And there is a mass m, length l की string है, उसके end से connected है, दोनों के end से connected है, और इसमें एक mass m का एक particle भी रखा हुआ है l by 4 distance पर. And they are saying कि left string और right string में velocity of transverse wave का ratio निकालिए. तो मैंने माना यहाँ का tension t1 है, यहाँ का tension t2 है. It means v1 by v2 is nothing but under root T1 by T2, because V is T by mu. Is it right? Mu cancel. It means that the question is not to find out the speed ratio. The question is actually to finding the ratio of tension. Then finding ratio of tension is a pure mechanics question. It's a pure equilibrium sawal. Kya hoga? T1 plus T2 is equal to 2mg, because the force is balanced. And if it is in equilibrium, torque must be balanced. Let's say this point ki about torque ki baat kare, to mgl by 4 plus rod ka torque mgl by 2 minus t2 ka torque t2 into l barabar 0. T2 into l barabar 0. So by this calculation, we got t2 is equal to 3mg by 4, and definitely t1 comes out 5mg by 4. T2 comes out 3mg by 4, T1 comes out 5mg by 4, then the answer of this question is equal to root 5 by 3. So this is the answer. So obviously it opens up the whole mechanics. It opens up the whole mechanics here, because he has a freedom to ask any question of mechanics here in the wave, because it is just a question to calculate tension. Is it clear? Cool. So अब हम आगे बढ़ते हैं. एक सवाल जो कि जेई में बहुत पूछा जाता है, एक स्ट्रिंग हैंग कर रही है बिकॉज ऑफ इट्स ओन मास m लेंथ l. आप मुझे बताइए कि अगर मैंने इस स्ट्रिंग को यहां पर एक हल्का सा ऐसे यू करके मारा, यानी जिस तरह से मैंने दिखाया हुआ है वैसे मैंने स्ट्रेस दिया, तो एनर्जी ऊपर ट्रांसफर करेगी. व्हाट काइंड ऑफ वेव इट इज? Transverse wave. So it is a transverse wave. So transverse wave will go from here to here. Transverse wave jo hai wo yahan se yahan ja rahi hogi. Transverse wave yahan se yahan ja rahi hai.
तो ट्रांसवर्स वेव यहां से यहां जब मूव कर रही है तो वो पूछेगा कि बताओ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रांसवर्स वेव को पहुंचने में कितना समय लगेगा। मैंने कहा ए पॉइंट से बी पॉइंट को ट्रांसवर्स वेव को पहुंचने में कितना समय लगेगा, इसका मतलब मुझे ये निकालना है कि यहां से यहां समय कितना लगेगा। तो मैंने कहा उसके लिए मुझे वेव की वेलोसिटी चाहिए, वेव की वेलोसिटी के लिए मुझे वेव की वेलोसिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, वेव की वेलोसिटी के लिए मुझे टेंशन चाहिए। तो टेंशन इन दिस केस विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट बिकॉज ऑब्वियसली एज यू गो अप टेंशन विल बी मोर, एज यू गो डाउन टेंशन विल बी लेस बिकॉज इट इज होल्डिंग द अपर पॉइंट इज होल्डिंग द होल स्ट्रिंग एंड द मिडिल पॉइंट इज होल्डिंग द लोअर स्ट्रिंग, द लोअर एंड पॉइंट इज होल्डिंग नथिंग, सो ऑब्वियसली टेंशन विल वेरी, टेंशन विल बी मैक्सिमम हियर एंड मिनिमम हियर, सो ऑब्वियसली वी हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन दिस केस। सो व्हाट वी डू, वी गो फॉर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम हियर एंड फाइंड आउट टेंशन, देन वी ड्रॉ द वीडियो ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, देन ऑब्वियसली टेंशन कम्स आउट एम बाई एल इन एक्स इन टू जी। आई होप इट इज क्लियर बिकॉज इट इज अ वेट ऑफ द लोअर पार्ट, वेट ऑफ द लोअर पार्ट इज इक्वल टू टेंशन बिकॉज टेंशन विल होल्ड इट, इजंट इट। तो टेंशन कम्स आउट दिस एंड एम बाई एल इज नथिंग बट म्यू, सो वेव वेलोसिटी कम्स आउट रूट एक्स जी, वेव वेलोसिटी कम्स आउट रूट एक्स जी बिकॉज वेव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अंडर रूट टी बाई म्यू, सो वेव वेलोसिटी कम्स आउट रूट एक्स जी। आई होप इट इज क्लियर, वेव वेलोसिटी कम्स आउट रूट एक्स जी एंड नाउ वेव वेलोसिटी यू गॉट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड यू नो दैट कि इट विल टेक वेव वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, देन फाइंडिंग टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ काइनेमेटिक्स विद द वेरिएबल वेव वेलोसिटी, वेरिएबल वेव वेलोसिटी गारंटी दैट यू हैव टू गो फॉर द इंटीग्रेशन, देयर इज नो अदर ऑप्शन वी हैव। सो व्हाट विल डू, विल टेक अनदर एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, विल टेक अनदर एलिमेंट ऑफ dx और dx लेंथ के एलिमेंट को जब हमने कंसीडर किया तो dx लेंथ के एलिमेंट को कंसीडर करने में तो dx by dt इज इक्वल टू रूट एक्स जी। आई होप यू कैन इंटीग्रेट इट एंड गेट द आंसर हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक, आई होप इट इज क्लियर। Cool. And one more thing they can ask, what about the frequency? यहां पर जो मैंने जनरेट किया यहां से वहां वो पहुंची एनर्जी, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहना है, विल इट बी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल चेंजिंग, कॉन्स्टेंट बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द वेव्स रिवीजन क्लास टुडे आई हैव टोल्ड यू गाइस द फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम गैप, बाद में फ्रीक्वेंसी इज कॉन्स्टेंट बट लेटर वील स्टडी द फॉर्मूला v इज इक्वल टू f लैम्डा, यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू f इनटू लैम्डा, दैट फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी चेंजेस इट मींस लैम्डा चेंजेस, लैम्डा चेंज करता है, लैम्डा अलग अलग होता है, लैम्डा अलग अलग होगा अगर एनर्जी सेम आ रही होगी, अगर हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड बदलेगा। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप सुनामी आ रहा है तो जहां पर सुनामी का स्टार्ट हुआ था वहां पर जो वाइब्रेशन होते हैं वो बहुत छोटे एम्पलीट्यूड के होते हैं, बट एज इट कम्स क्लोजर टू द शोर इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज। व्हाई इट्स एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, same energy is being transferred but velocity of the wave changes because where the wave was created, pressure was very high and as it goes to shore pressure decreases, it means the wave velocity decreases, lambda increases, it changes the amplitude also, so it causes higher amplitudes at the shore, जब हम बीच के शोर के पास आते हैं तो amplitudes बढ़ जाते हैं, वो भी हम बात करेंगे if time permits. This kind of questions will be there in the velocity of the wave, this kind of question there in the velocity of transverse wave, and what kind of questions will be there in the velocity of the longitudinal wave? So velocity of longitudinal wave हमेशा gas में पूछी जाएगी, it is under root gamma RT by m. So first kind of question they will ask you, कि there is a pipe here, it is filled with oxygen at 500 Kelvin and another is helium at 700 Kelvin. They will say find out V1 by V2. So why V1 by V2 means you have to find out gamma 1 RT1 by M1 or gamma 2 RT2 by M2. For that you need to know what the value of gamma, or you have to know the value of temperature, you need to know the value of molecular weight. I hope कर लेंगे, सवाल आएगा तो कर लेंगे। Cool. Another possible question here will be, they will give you a chamber in which they mix two gases. For example, the similar gas O2 at 500 Kelvin and helium at 700 Kelvin. 1 mole, 2 moles are mixed.
and now they are interested to find out the velocity of the wave. In that case, velocity of wave can be written as under root gamma average r into t average into m average. In that case, you have to find out gamma ki average value, temperature ki final value, mass ki value, mass ki average value. You have to find out all these three things. All three things you have to find out. So obviously, so you need to know how to find out all three things. Sabse pehle agar main baat karu molecular mass ki, to molecular mass ka formula hoga N1 M1. Obviously, it is very simple. You have read it in chemistry also. N1 M1 upon N1 plus N2. It is very easy. It is very easy. One oxygen for two helium, to iska M ki value aa jayegi 1 into 32 plus 2 into 4 divided by 3. I hope it is clear. Is it? Cool. And now you need to find out a gamma average. Gamma average is a tricky thing. I mean, sometimes, because it is very enticing to use this formula. It is really enticing to use the formula N1 M1 plus N2 M2. So N1 gamma 1 plus N2 gamma 2 upon N1 plus N2. No, you cannot do that. Because gamma average cannot be found in the same manner. Gamma average is found out in the manner, first of all, you have to find out degree of freedom. Degree of freedom se gamma average nikalta hai. So degree of freedom, aapko yaad hai ki nahi, gamma hota hai F plus 2 by F. Degree of freedom agar F hai, so F plus 2 by F hota hai. So first of all, you have to find out F average by the same method. First of all, you will find out F average by N1 F1 plus N2 F2 upon N1 plus N2. So this is how you will find out the F average. And if you get the value of F average, then you will get the value of gamma average by putting the value of F average there. This is the way you have to calculate gamma. Make it clear ki aise gamma nikalna hai. And temperature value nikalenge with the help of calorimetry. Ek ne heat di, ek ne heat li, final temperature same. You can find out the final temperature. I hope it's clear. Cool. So we now we know the wave velocity. So we can move further. Hum aage badh sakte hain. Hume type of waves pata hai, wave velocity pata hai, aur kya kya hota hai. Har particle previous particle copy karta. This is no. Now the real wave starts. Actually, what happens in wave? We are going to discuss that thing. Just so we're going to talk about wave equation. Wave equation. Wave equation. Wave equation. Wave ka equation kaise form karte hain? Wave kaise hoti? Kya hota? So first of all, you have to understand what does wave equation mean. What does wave equation mean? What does wave equation mean? Wave equation gives us kaun sa particle किस टाइम पे कहां है, कौन सा पार्टिकल किस टाइम पर कहां है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे बोला कि मैं बोल रहा हूं और आवाजें चल रही हैं पूरे इंडिया में, हर जगह फैल रहा है आवाज, हर जगह आवाज जा रही है. मैंने आपसे बोला कि बताओ कहां है, आपने कहा क्या बकवास है, कौन कहां है. मैंने कहा ये मुझसे एक मीटर डिस्टेंस पे जो ये पार्टिकल है वो कहां है. आपने कहा आपसे एक मीटर डिस्टेंस पे जो पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है, प्लीज बताओ किस टाइम पर. अदरवाइज क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट. इफ समबडी आस्क कि कहां है, कि कौन कहां है बे, तो यू हैव टू टेल मी this particle, the particle at near my eardrum, the particle near my eardrum. So maine kaha acha ab iski baat kar raha hu, ye particle, yani ki first we talk about which particle. It means you have to tell me the position of the particle, yani you have to give me an independent variable position, ki yaha wala particle. And then you will ask position बता दी. मैंने कहा तुम्हारे कान के पर्दे वाला पार्टिकल इस समय क्या कर रहा है, तो आपने कहा क्या कर रहा है मतलब किस समय की बात बोल रहे हैं, कब की बात बोल रहे हैं. तो obviously we have to give that time, then you are able to give me its exact position, its exact displacement. आप उसका displacement आप मुझे तब बता सकते हो जब मैं आपको दो चीजें दूं, position and time. It means wave equation is the equation with two independent variables. You have to give me two independent variables and then you will give me the
वन फाइनल आंसर कि ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से यहां पर है, ये पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से यहां पर है, तो इट मींस वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी, यानी कि इफ समबडी आस्क कि व्हाट इज द वेव इक्वेशन, तो वेव इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच गिव्स अस कौन सा पार्टिकल किस समय पर कहां है, कौन सा पार्टिकल किस समय पर कहां है. इट मींस दे हैव टू गिव मी टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आई विल गिव देम द एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हिच फॉर व्हिच ही इज इंटरेस्टेड. आई एम मेकिंग सेंस? कूल. सो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. अब ये दो वेरिएबल में इक्वेशन होनी चाहिए और हम इसको देखते हैं क्या होगा. तो अब हमने क्या सीखा है देखने की कोशिश करते हैं. मान लो यह वेव यहां पे चल रही है v वेलोसिटी से चल रही है और यह सोर्स वाला पार्टिकल है, इसको मैंने ऊपर नीचे चलाया, मैंने कहा तू चल भाई y0 a sin ओमेगा t प्लस थीटा, मैंने कहा तेरा डिस्प्लेसमेंट है, सोर्स पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है a sin ओमेगा t प्लस थीटा. सोर्स पार्टिकल का यस क्या मेरी बात समझ में आई कि ये हमारा सोर्स पार्टिकल का डिस्टरबेंस है. सोर्स पार्टिकल का डिस्टरबेंस ये दे रखा है, ऊपर नीचे कर रहा है सोर्स पार्टिकल का डिस्टरबेंस. अब ये वेव एनर्जी इधर की तरफ बढ़ रही है, क्या ये वाला पार्टिकल जब भी ये पार्टिकल मोशन करेगा, वेन एवर दिस पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म मोशन, इज इट गोइंग टू परफॉर्म द सिमिलर मोशन? इज इट गोइंग टू परफॉर्म सिमिलर मोशन? दिस इज व्हाट द वेव मींस. This is what the wave means. Yes. यानी कि ये भी कहेगा कि मैं भी थोड़े समय बाद a sin omega t plus theta से motion करने वाला हूं, but उसने एक और बात बोली थोड़े समय बाद. Why did he say थोड़े समय बाद? Because obviously it will take some time to energy to reach from this point to this point. So obviously it will start its motion if the this distance is x. Then this particle will start its motion at time x by v. यानी कि ये वाला पार्टिकल हमेशा इससे पीछे चलेगा. It is just like your brother, small brother. आपका कोई छोटा भाई है, वो बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई कराई जाएगी. अगर आपके माँ बाप बायस नहीं है तो आपको जैसे पढ़ाई कराई गई है उसको भी वैसे ही पढ़ाई की जाएगी. आपसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका भाई 2007 अगर मान लो आपका भाई है और वो आपसे 3 साल छोटा है, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है, मैंने आपसे पूछा कि आपका भाई इस समय क्या कर रहा है, व्हाट योर ब्रदर इज डूइंग एट दिस टाइम, देन ऑब्वियसली बाय द किस क्लास में है, तो अगर आप 12th क्लास में है तो बाय द कॉमन सेंस आई कैन से कि आपका भाई उसी क्लास में है जिस क्लास में आप 2020 में थे. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Obviously, because your brother is lagging 3 years behind. It means if I ask this particle, what this particle is doing at t equal to t, so I'll say this particle is doing t equal to t पे ये वही कर रहा है जो ये particle t equal to t minus x by v पे कर रहा था. Good. So, अब ये पार्टिकल t equal t minus x by b पे क्या कर रहा था है? Just put the value. इसका मतलब है इसका disturbance का formula मिल गया. A sin omega t minus x by v plus theta. So, this become our wave equation. और इसको मैं ने motion SHM कराया है. A sin omega t plus theta. मैं इसको कुछ और भी करा सकता था. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा पहला पार्टिकल मोशन करेगा हर पार्टिकल वैसा ही मोशन करने वाला है पर थोड़े समय बाद. योर ब्रदर इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम मोशन एज यू हैव डन एज यू आर डूइंग बट ही इज लेट बाय 3 years. इट मींस वो वही कर रहा होगा 2020 में आपका भाई क्या कर रहा था. तो 2020 में आपका भाई वही कर रहा था जो अभी आप 2023 में कर रहे हैं. आप 2017 में कर रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली वो आपसे 3 साल पीछे चल रहा है. गुड. y0 इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन. नाउ आई राइट इन डिफरेंट फॉर्म. a sin ओमेगा t माइनस
ओमेगा एक्स बाय वी प्लस थीटा, ओमेगा एक्स बाय वी प्लस थीटा. नाउ लुक एट दिस नंबर ओमेगा बाय वी, तो इट इज ए साइन ओमेगा टी माइनस टू पाई एक्स बाय वी टी प्लस थीटा. वी टी, व्हाट इज वी टी? इज वी टी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड. Vt, what is Vt? Is the distance traveled by wave in one time period. So it means this is distance traveled by wave in one time period. And now, from now, we call this distance traveled by the wave in one time period, we call it wavelength. So wavelength ki paribhasha ho gayi, wavelength ki paribhasha ho gayi, distance traveled by wave in one time period, jo maine thode pehle likha tha, V by F. Lambda is V by F, distance traveled by wave in one time period. So, what it comes out? It comes out A sine omega t minus 2 pi x by lambda plus theta. 2 pi x by lambda plus theta. Can I write it like this? Good. Ab mujhe bataiye, 1 by lambda kya ho gaya? Lambda ho gaya. डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, और उसको आगे चल के एक वेव पल्स बनेगी, उस वेव पल्स की लंबाई भी लैम्डा के बराबर होगी. तो ये 2 पाई बाय लैम्डा को हमने एक नया नाम दिया, हमने इसका नाम दिया एंगुलर वेव नंबर. इसको नाम दिया हमने एंगुलर वेव नंबर. तो हमारी इक्वेशन हो गई y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा. A sine omega t minus kx plus theta. K is called angular wave number. And what is x here, beta? Absolutely. X is the distance traveled by the wave. It means now we have a wave equation. Y equal to A sine omega t minus kx plus theta. So this is our wave equation, where we know x equal to 0 is the source and this is the displacement of particle at a distance x from source. It is very, 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 very important. Distance x from the source. Is it clear? Good. Distance of the particle at a distance x from the source. But if I want to write x as a coordinate, agar main x ko coordinate ki form mein likhunga, wo to positive coordinate pe particle hai x, to usme origin se distance kitni hogi? अगर x इज अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो x इज अ पॉजिटिव कोऑर्डिनेट, तो डिस्टेंस कितनी होगी? x के बराबर ही होगी obviously. इफ x इज अ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, इफ x इज अ नेगेटिव कोऑर्डिनेट, x इज -5 फॉर एग्जांपल, x इज -5, देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस इन दैट केस? 5. It means minus x. So that's why they say, if you are interested to see the propagation of wave in forward direction, you have to write the same way, because the distance and the coordinate are the same thing. But if you are seeing the wave is going towards negative, then distance and coordinate are not the same, because coordinate will be minus negative and distance will be positive. So that's why they say the wave equation can be written as minus or plus. If minus sign kab lagayenge? Minus lagayenge, wave towards right ja rahi ho. और प्लस कब लगाएंगे? जब वेव टूवर्ड्स वेव लेफ्ट जा रही हो, यहां पे राइट जा रही हो, वहां पे लेफ्ट जा रही हो, तो माइनस लगाएंगे. आई होप इट इज क्लियर. कूल, वेरी गुड. सो वी हैव अ वेव इक्वेशन, वी हैव अ वेव इक्वेशन वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस थीटा. नाउ Now the type of question they are going to ask. Before that, I just want to tell you कि भाई इसमें क्या-क्या और चीजें हमें याद हुई. ये हो गई wave equation. अब उसमें जैसे मैं बोलूँगा, for example, जैसे this is the source of the wave. This is the source of the wave. And you know the wave equation is a sine omega t minus kx plus. A sine omega t minus kx plus. Okay. Now if I say this particle P1
If I say this particle P1, as I say this particle P1, क्या फिक्स हो गया इस इक्वेशन में? क्या चीज फिक्स हो गई? X, very good. It means the distance is fixed. So displacement of this particle will be a sine omega t minus kx plus theta. Is this minus kx plus theta as a constant? If I'm talking about this particle P1, so for P1, if I'm talking about this P1 particle, so when I write down the wave equation, is x fixed for this particle? Yes, it means the equation of this motion of this particle will be a sine omega t minus kx plus theta. So, is, let's say this distance is x1. So, it is kx1. So, the initial phase of this particle will be minus kx1 plus theta. Phase of this particle will be minus kx1 plus theta. And if I see this particle P2 and it is at a distance x2, क्या इसका फेज इज इक्वल टू माइनस के एक्स टू प्लस थीटा? सो समटाइम्स द जे आस्क फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स एट डिफरेंट पॉइंट्स, देन यू नो द फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल, लेट्स इट इज फाइव वन, लेट्स इट इज फाइव टू. इफ आई वॉन्ट टू नो द वैल्यू ऑफ फाइव टू माइनस फाइव वन, तो फाइव टू माइनस फाइव वन इट कम्स आउट के टाइम्स एक्स वन माइनस एक्स टू. Is it right? K is written as 2 pi by lambda. Phi 2 minus phi 1 is written as delta phi. And x1 is the path length of the first one. X2 is the path length of the second one. So x1 minus x2 will be the difference in path length. So we call it path difference. We call it path difference. So there are several questions in JEE Mains on the basis of this. They will give you path difference and they will ask you find out the phase difference. So phase difference can be calculated if you know the path difference. And they can definitely come up with the geometry also. They can give you some values. X1 nikalna padega, X2 nikalna padega. Geometry solve karni padegi to find out the phase difference. Am I making sense? Sorry. Okay. So this is how we get the value of phase difference. Hum phase difference ki value nikal lete hain. The formula we have written will be used definitely in YDSE. I understand that. But YDSE mein use kiya jane ke alawa ye formula normal sawalon mein bhi pucha ja sakta hai ki bhaiya path difference nikal, phase difference nikal ke dikhaiye. For that you need to know the path difference. Okay. What kind of questions they will ask you? That kind of question, the two questions they will ask you. First of all, let's say there is a transverse wave. Transverse wave. They will give you graph. You know the graph will be given for the two functions only, y or x or y or t. They cannot give you graph of yxt because we don't have a book or we don't have a board of drawing three-dimensional graph. But aapko pata hai ki x or t dono independent variable hai, y dependent variable hai. But ek baar mein x और t दोनों दिखाते हुए y तो नहीं पूछ सकता, because graph हम x के respect में y का बना सकते हैं या x t के respect में y का बना सकते हैं. तो graph हमेशा दो का दिया जाएगा, yt या yx. तो yt graph का क्या मतलब है? When somebody sees yt graph, what is he giving? yt graph देगा तो क्या चीज fix कर देगा? x. x फिक्स करने का मतलब क्या हुआ बेटा? x फिक्स करने का मतलब है उसने एक पॉइंट पर फोकस किया कि मैं इसको देखूंगा यार, आई एम गोइंग टू सी दिस पार्टिकल. और yt ग्राफ देखने का मतलब है उसने मुझे उसका वीडियो दिया, उसने जूम इन करके एक पार्टिकल को पकड़ा और उसका वीडियो बनाने लगा. क्या आपको दिखाई दे रहा है? उसका वीडियो बनाया, क्योंकि टाइम के साथ उसका वेरिएशन दिखाई दे रहा है. इसका मतलब उसने उसका वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रहा है. यानी एट x इक्वल टू लैम्डा बाई 4 उसने कहा कि ये ग्राफ है, इसका मतलब उसने उसका वीडियो बनाया कि पहले यहां था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया. तो ऑब्वियसली उसका ग्राफ का मतलब वीडियो. यानी इफ एट एनी गिवन एक्स दे आर गिविंग द yt ग्राफ, इट मींस दे आर गिविंग द वीडियो. अब इस केस में कोई पूछे कि ये पार्टिकल कहां जाएगा अगले मूवमेंट पे, ऑब्वियसली अगले मूवमेंट पे देख लोगे कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक ही रहा, बिकॉज़ टाइम इज ऑलरेडी गिवन. वीडियो में कोई पूछेगा क्या भाई? कोई सवाल हुआ क्या? एक वीडियो दिखा रहा है तुम्हें और बोले कि t इक्वल टू 15 पे वो कहां जा रहा है, तुम देख लो t इक्वल टू 16 पे कहां है. Are you getting my point? अगर कोई वीडियो ही दिखा रहा है तो दिस क्वेश्चन इज
मतलब कोई भी बहुत बेवकूफ वाला सवाल है, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, मेरा हाथ इस तरह से चल रहा है, मैं बोलूं मेरा हाथ जब यहां था, आपने वीडियो देख लिया, मैंने कहा मेरा हाथ यहां था तो बताओ ये किधर जा रहा था, अरे वीडियो तो देखा ही है ऊपर जा रहा था तो ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। इसमें इस तरह का सवाल पूछेगा कोई मतलब नहीं है, भाड़ में गया इसका आंसर सीधे होगा कि ऊपर जा रहा है, अगले मोमेंट पे कहां होगा और ऊपर जाएगा, अगले मोमेंट पे कहां होगा नीचे आ गया, अगले मोमेंट पे कहां होगा नीचे आ गया, अगले मोमेंट पे नीचे नीचे फिर ऊपर। दिस इज व्हाट यू कैन डिस्कस, YT ग्राफ इज अ इजी थिंग, बट If they give you y x graph, तो इन्होंने क्या fix कर दिया? T equal to let's say T/4, time fix कर दिया, time fix करने का क्या मतलब हुआ? Very good, they have taken a picture here, उन्होंने क्या किया पूरी रस्सी की फोटो खींची और आपको दे दी। अब रस्सी की फोटो देखकर आपने देखा कि भैया ये सब लोग लाइन में खड़े हुए, ऐसा मुंह है इनका। अब आपको देखकर बताना है कि बताओ ये राइट जा रहा है कि लेफ्ट जा रहा है, कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। देन इट इज अ ट्रिकी थिंग, बिकॉज बाय लुकिंग एट पिक्चर, फॉर एग्जाम्पल आपने मेरी पिक्चर ऐसे देखी, अब आपसे कोई पूछे पिक्चर देखकर कि बताओ एनएमएस सर किधर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं पीछे जा रहा हूं ऐसे, हो सकता है कि मैं आगे जा रहा हूं ऐसे। पिक्चर देख के बताना इज अ ट्रिकी खेल, पिक्चर देख के बताना ट्रिकी खेल है, तो इसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो टी इक्वल टू टी पर इसमें मुझे एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी, नो, इसमें एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी, दो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो ग्राफ दे दिया टी इक्वल टी बाई फोर पे और उसने मुझसे पूछा कि ये पार्टिकल कहां जा रहा है, मैंने कहा अच्छा भाई ये पार्टिकल कहां जा रहा है, ये पूछा गया। अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, अब ये पार्टिकल कहां जा रहा है, मैंने कहा मुझे और बताओ यार, फोटो देख के मैं नहीं बता पा रहा हूं, आई नीड सम अदर इंफॉर्मेशन, प्लीज गिव मी सम अदर इंफॉर्मेशन। तो उसने कहा पिक्चर नहीं दूंगा भैया, पिक्चर तो मैं तुम्हें एक ही दूंगा भाई, पिक्चर तो एक दूंगा। मैंने उसने बताया कि इट इज अ ट्रांसवर्स वेव, ऑब्वियसली तो बताना ही पड़ेगा, और वेव राइट में जा रही है। अच्छा ट्रांसवर्स वेव है, तो वन थिंग यू आर क्लियर कि ट्रांसवर्स वेव में वेव राइट में जा रही है, ट्रांसवर्स वेव का सवाल है, तो आंसर एक किधर जा रहा है उसका आंसर दो ही पॉसिबल है, या तो ऊपर या तो नीचे, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे ही करते हैं, ये तो क्लियर है। इधर द आंसर इज अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब मैंने कहा यार पिक्चर देख के कैसे बताऊं, क्या बताऊं, बताओ कोई बता सकता है मुझे कि कैसे बताऊं किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर 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 किधर, अब बढ़िया आदमी है, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा कि ये पार्टिकल, हर पार्टिकल, क्या बढ़िया बात बोली, वेव का बेसिक फंडामेंटल था एवरी पार्टिकल कॉपीज इट्स प्रीवियस पार्टिकल। तो अगर मुझे बताओ कि वेव इधर जा रही है तो मेरा प्रीवियस पार्टिकल ये वाला बंदा हुआ, यहीं से पहले इसको मिली होगी एनर्जी, ये वाला बंदा मेरा प्रीवियस पार्टिकल है। मैंने कहा मैं वही बनूंगा जो मेरे भैया हैं, ये मैं वही बनूंगा जो मेरे भैया हैं। तो मैंने भैया से पूछा कि उससे, भैया मतलब उससे जस्ट पहले वाला पार्टिकल, मैंने कहा वेयर आर यू, उसने कहा मैं तो नीचे हूं, उसने कहा मैं भी नीचे आऊंगा, because every particle copies its previous particle, कोई tangent वेंजेंट हमें नहीं draw करनी पड़ती इस केस में, हमें क्या करना, every particle copies its previous particle। मैंने कहा तू क्या करेगा, उसने कहा मेरे भैया जो कर रहे हैं मैं वही करूंगा, भैया पीछे खड़े हैं, because previous particle मतलब पीछे है, इधर जा रही है तो obviously this is the previous particle, previous मतलब जिसको एनर्जी पहले मिली है, एनर्जी यू चल रही है तो पहले इसको मिली होगी फिर मुझे मिली होगी, तो obviously it will copy its previous particle, तो इसका previous particle ये वाला हुआ। कोई बोले ये किधर जा रहा है, तो मैं कहूंगा ऊपर जा रहा है। कोई बोलेगा ये वाला particle किधर जा रहा है, मैंने कहा ये वाला particle previous particle ये नीचे जा रहा है। तो obviously हर particle अपने previous particle को copy करता है, ठीक है। तो जो भी मैं बता रहा हूं obviously यही पूरे waves है, जेई मेंस और एडवांस दोनों में वेव्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, दोनों के सवाल बहुत ही एक ही जैसे आते हैं। तो जेई मेंस हो या एडवांस, दोनों केसेस में आपको इतनी ही वेव्स आनी चाहिए जितनी हम बात कर रहे हैं। आई होप अभी तक मैं जो बोल रहा हूँ वो सब क्लियर है, ओके? तो ये एक पहले तरह का सवाल है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, ये सारे सवाल पूछे जाएंगे, ओके? अगर ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती बेटा, मान लो ऐसा होता,
कि वाई एक्स ग्राफ दिया हुआ है और इट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड वेव इधर जा रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं ये पार्टिकल किधर जाएगा, ए ए किधर जाएगा, ए किधर जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड लॉन्गिट्यूडनल वेव में ऊपर नीचे नहीं होगा बे, लॉन्गिट्यूडनल वेव में लेफ्ट राइट होगा बिकॉज लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल ऊपर नीचे नहीं चलते, लॉन्गिट्यूडनल वेव में लेफ्ट राइट चलते, ग्राफ तो वाई है, वाई का ग्राफ तो ऊपर नीचे बनाएगा पर वाई इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन तो लेफ्ट राइट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड आंसर विल बी ईदर लेफ्ट और राइट एंड ऑब्वियसली इट विल फॉलो इट्स प्रीवियस पार्टिकल। इसका प्रीवियस पार्टिकल कौन सा, इधर वाला, तो इस बार वेव इधर से आ रही है तो ये इसका प्रीवियस पार्टिकल है, y y बड़ा आ रहा है, y बड़ा आने का मतलब ये y बढ़ाना चाहेगा, इट मींस इट विल गो टुवर्ड्स राइट, इट विल गो टुवर्ड्स राइट यानी ऊपर का राइट नीचे का लेफ्ट इज द आंसर, मेक सेंस। इफ द ग्राफ शोज ऊपर द आंसर इज राइट और आगे, क्लियर, इधर अगर वेव राइट साइड में जा रही होती तो इस पार्टिकल का प्रीवियस पार्टिकल ये होता, तो ये वाई कम करना चाहता, वाई कम कैसे करोगे, तुम मीन पोजीशन पे हो और तुम्हारा वाई पॉजिटिव था, वाई कम कैसे करोगी तुम, पीछे आके, तो ऑब्वियसली इट विल गो लेफ्ट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड कि वो अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो आंसर राइट बोलिए, अगर आपको नीचे दिख रहा है तो आंसर लेफ्ट बोलिए इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल, इज इट क्लियर, कूल। सो दिस इज द काइंड वन ऑफ काइंड ऑफ क्वेश्चन। अनदर काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दे विल गिव यू ग्राफ एंड दे विल आस्क यू राइट डाउन द वेव इक्वेशन, राइट डाउन द वेव इक्वेशन। जैसे मैं आपको ग्राफ देता हूं, जैसे उसने मुझे ग्राफ दिया कि दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ, इट इज अ वाई t graph, y t graph, this is a by 2, this is minus a, omega is omega, k is k, wave is going towards right, wave is going towards right and they ask you to write down the wave equation, they ask you to write down the wave equation, theek hai, theek hai। They ask you to write down the wave equation. Omega दिया हुआ है, a दिया हुआ है, k दिया हुआ है। The only thing you have to, और wave किधर जा रही है, ये भी दिया हुआ है। आपको main काम इस सवालों में theta निकालना होता है। तो theta निकालना होता है, theta निकालना जिन सवालों में होता है, उनका मैं आप सबको सिर्फ तरीका बता रहा हूं directly, ताकि आपको गलती कभी ना हो। तो जैसे आपका y versus t graph दिया हुआ है, for example, तो आपको क्या करना है, wave right में जा रही है। जिसका ग्राफ दिया हुआ है y और t का ग्राफ दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो आप यहां पे लिखिए वेव राइट में जा रही है, लेट, ये स्टेप वन है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा इज द, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा इज द, और ये किसी दिया होगा x इक्वल टू किसी लैम्डा बाई 6 पे दिया हुआ, फॉर एग्जाम्पल x equal to lambda by 6 पे दिया होगा। तो step one will be assuming the wave equation, उसमें omega t और kx में पहले वो term लिखिएगा जिसका graph दिया हो। अगर ये y x graph दिया होता, तो आप यहाँ पे kx minus omega t लिखिएगा। Important point number one, clear है मेरी बात? Otherwise there will be chances of wrong calculation. I just want कि आप इस चीज को सही से समझ जाएं। तो मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा बिकॉज गलतियां होती हैं, सालों साल से देखता हुआ आया, तो मुझे बता रहा हूं ताकि गलती ना हो। क्या करना है, उसको पहले लिखना है जिसका ग्राफ दिया है, ए साइन ओमेगा, अगर वाई टी ग्राफ दिया है तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा लेट करेंगे, अगर वाई एक्स ग्राफ दिया होता तो आप इक्वेशन मानते ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, इज इट क्लियर, गुड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये जो सांप है यानी साइन कर्व है इसको पूरा करना है, साइन कर्व को पूरा कर दिया, क्या साइन कर्व ऐसे ही स्टार्ट होता है, यू स्टार्ट होता है, पूरा करने का मतलब आपको पता है कि ऐसे साइन कर्व चलता है तो उसको पूरा कर देना है, इज इट क्लियर, एंड नाउ यू नो दैट दिस पॉइंट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट,
इज इट इन सेकेंड क्वाड्रेंट? बिकॉज दिस इज जीरो, दिस इज 90, दिस इज 180, इजंट इट? सो दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ए बाई टू इज नथिंग बट 5π/6. A by 2 is nothing but 5π/6. So what do you have to do? Now, iska phase, yani ye puri cheez, yt graph hai na, to ye puri cheez, right wali. So minus kx plus theta ki value 5π/6 ke barabar karke, x yahan dalo, theta nikalo, let me answer likho, answer khatam. So yani is sawal mein aayega, minus 2π/λ into λ/6 plus theta is equal to 5π/6. यानी लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, माइनस पाई बाई थ्री और वो 5π/6, 5π/3, 5π/6, तो ये हो गया 7π/6, तो थीटा की वैल्यू आ गई 7π/6, चेक करिए, आ गई, तो आपका आंसर आप लिखेंगे, द आंसर इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx प्लस 7π/6. अदरवाइज आप इसमें गूफ अप मचाने वाले हैं अगर आपने मेरे इस बात को नहीं समझा तो. यू आर गोइंग टू क्रिएट गूफ अप हियर. क्लियर है मेरी बात? गुड गुड गुड. So this is the whole idea कि इस तरह की वेव इक्वेशन लिखने को हमें आनी चाहिए. नेक्स्ट बात जो प्रोग्रेसिव वेव में आपको पता होनी चाहिए वो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला. तो एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव वेव में. प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी छोटे से पार्टिकल के लिए, एनी पार्टिकल, अब इसका डेरिवेशन वेरिवेशन तो बहुत लंबा होगा, पार्टिकल की टोटल एनर्जी कॉन्स्टेंट नहीं होती. Unlike SHM. SHM में total energy particle constant होती थी, इसमें particle की total energy constant नहीं होती. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? याद रखना है. और इसमें particle की kinetic energy dk, जो छोटा सा particle है, dk is equal to du, kinetic energy और potential energy हमेशा बराबर होती है. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमेशा बराबर होती है. यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तब होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तब जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. क्लियर है क्या मेरी बात? तो जैसे उसने मुझे बोला कि ये वाई एक्स ग्राफ है, वाई दिस इज वाई एक्स ग्राफ, वेव इधर जा रही है, वो बोल रहा है कि इस पार्टिकल ए पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है कि कॉन्स्टेंट है. क्या आंसर है? इस ए पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है या कांस्टेंट है? आप मुझे बताइए, ए किधर जाएगा? ए किधर जाएगा? और क्या कह रही है? प्रीवियस पार्टिकल इसका ये हुआ ना बे, वेव इधर जा रही है तो दिस इज द प्रीवियस पार्टिकल. तो ए किधर जा रहा है? नीचे. इफ ए इज गोइंग नीचे, इज इट गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन? इज इट गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन? इट इज गोइंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन. डू यू नो स्पीड इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन? मैक्स स्पीड सबसे ज्यादा कहां होती है? मीन पोजीशन पे. तो स्पीड इज मैक्सिमम मीन पोजीशन, क्या वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी? इसका मतलब है इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी. इट मींस इट इज ट्राइंग टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी आल्सो. इट मींस इट इज ट्राइंग टू इट्स टोटल एनर्जी. इट मींस द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी. इट मींस द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीजिंग. सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर ऑन द बेसिस ऑफ ग्राफ की पार्टिकल की एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, क्या होगा, तो इसको करना हमें आना चाहिए. एम आई क्लियर? गुड. अब आप मुझे वाई एक्स ग्राफ देख के ऐसे बोल देगा. अब इसमें आपको बस एक याद रखना है कि एक वेव पल्स की एनर्जी का फॉर्मूला, एक वेव पल्स की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एक वेव पल्स की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ म्यू ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर लैम्डा. दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर कि एक वेव पल्स की, सिर्फ एक फॉर्मूला एनर्जी के नाम पर याद रखना है कि एनर्जी ऑफ वन वेव पल्स, ये पूरी चीज को एक वेव पल्स कहते हैं. यहां से यहां तक पूरी एक वेव पल्स बन गई वाई एक्स ग्राफ में.
एक वेवलेंथ के बराबर। इस एनर्जी ऑफ वन वेव पल्स टोटल रोप लेंथ की एनर्जी जो होती है वो हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा होती है। द ओनली फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। एंड दिस वेव इज गोइंग टुवर्ड्स राइट विद स्पीड ऑफ वेव। तो आपको पता है कि ये यहां से ये पूरी वेव निकल के चली जाएगी, इस जगह को पार करेगी इन टाइम कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम में ये पूरी वेव इसको पार करके चली जाएगी। अगर ये पूरी वेव पार करके चली गई तो एवरेज पावर कोई पूछेगा तो एवरेज पावर की वैल्यू हो जाएगी हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लैम्डा डिवाइड बाय टाइम। लैम्डा डिवाइड बाय टाइम इज अ वेव वेलोसिटी। तो ये अपने आप बन जाएगा फॉर्मूला हाफ म्यू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वेव वेलोसिटी। और कोई इंटेंसिटी पूछ दे तो इंटेंसिटी में हो जाएगा हाफ म्यू डिवाइड बाय एरिया इनटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वीडब्ल्यू। और म्यू डिवाइड बाय एरिया बिकम डेंसिटी रो, मास पर यूनिट लेंथ अपॉन एरिया डेंसिटी। इट बिकम इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वीडब्ल्यू। इज इट क्लियर? दिस इज द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अब साउंड वेव में, जब प्रोग्रेसिव वेव की लास्ट बात साउंड वेव में एक और बतानी है, उसके प्रोग्रेसिव वेव की सारी बातें खत्म हो जाएंगी सिंगल प्रोग्रेसिव वेव की। सिंगल प्रोग्रेसिव वेव में जब साउंड की हम बात करते हैं तो जब साउंड प्रोपोगेट कर रहा होता है मेरे बच्चों, साउंड के प्रोपोगेशन में किसी भी पॉइंट पर प्रेशर भी घटता बढ़ता रहता है। उसे हम प्रेशर अगर बढ़ता है, यानी कि अगर उस पॉइंट का प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि वहां का प्रेशर चेंज पॉजिटिव आता है, हम उसे कहते हैं इट इज अ कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन जोन, कंप्रेशन जोन। और अगर प्रेशर किसी पॉइंट का घट जाता है तो यानी वहां का नेट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होने लगता है, हम उसे बोलते हैं रेयरफैक्शन जोन। रेयरफैक्शन जोन, कंप्रेशन जोन एंड रेयरफैक्शन जोन दो नाम होते हैं। और कंप्रेशन जोन है या रेयरफैक्शन जोन है, कंप्रेशन जोन है या रेयरफैक्शन जोन है, इसका पता हम लगा सकते हैं बाय द वाई एक्स ग्राफ, बिकॉज देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन। डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय डीएक्स। डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाय डीएक्स। दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला जिससे हम बता सकते हैं कि कंप्रेशन जोन है कि रेयरफैक्शन जोन है। मतलब उसने लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगर आपको वाई एक्स ग्राफ दिया, yx ग्राफ दिया और आपसे पूछेगा कि बताओ कहां कंप्रेशन है, कंप्रेशन होने के लिए डेल्टा पी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। डेल्टा पी पॉजिटिव तब होगा जब डिवाइड बाय dx नेगेटिव होगा। डिवाइड बाय dx नेगेटिव की बात करें तो डिवाइड बाय dx नेगेटिव इस रीजन में है। दिस इज द रीजन जहां पे डिवाइड बाय dx नेगेटिव है। कैन यू सी दैट? डिवाइड बाय dx इज नेगेटिव हियर। सो दिस इज कंप्रेशन जोन, दिस इज रेयरफैक्शन जोन, दिस इज रेयरफैक्शन जोन। सबसे ज्यादा डेरिवेटिव यहां पर है तो ये रेयर कंप्रेशन सेंटर कहलाता है और इसमें ये रेयरफैक्शन सेंटर कहलाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और इनके बेसिस पे आप सवाल अभी करने की कोशिश करिएगा, बाकी चीजें हम दोबारा देखेंगे नेक्स्ट क्लास। बाय रहेगा सभी को, एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज गुरु जी मुझे आज पता चला है आपके बारे में, मैकेनिक्स पूरी है मेरे से आपके। अरे पढ़ने तो दे जी अनुराग, बताइए हम क्या करें। अगर आप शिवांश, अगर तूने 11 सही से नहीं किया, ऐसा नहीं है कि इससे बहुत फायदा मिलने वाला है, थोड़ा बहुत तो बेसिक पढ़ा हुआ होना चाहिए। इतना तेज अगर तू होता तो तू अब तक चाप चुका होता या IR1। अपने आप को पहचाना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। दिस इज नॉट अ पढ़ाई एट ऑल, दिस जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ा हुआ है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जिनको कुछ कुछ कंफ्यूजन था, जिन्होंने पढ़ा हुआ है और कंफ्यूजन है, उनके लिए ये सारी चीजें हैं। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं हुआ है उनके लिए तो सब कुछ मुश्किल होने वाला है। चलो बाय रहेगा सभी को, एंजॉय लाइफ इफ यू फाइंड एंजॉय। 12th आती है अभी तो जेई मेंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर ले यार। अनुराग जेई मेंस जैसे ही अच्छा सा फोड़ देगा 98-99 परसेंटाइल कम से कम लेके आ जा, ताकि एक बार वो क्लियर हो जाए, उसके बाद अपन वापस से 11-12 सब्सक्राइब कर लेंगे। 4-5 महीने इज मोर देन सफिशियंट टाइम।
अबे इसी बार कर सकते हो यार, इस बार बढ़िया कर सकते हो, ऐसा नहीं कि खराब कर सकते हो। अभी भी बेसिक फिजिक्स के सवाल लगा लो, बेस्ट तरीका होता है। जैसे कि मैंने अपने जीवन में केमिस्ट्री पढ़ने का बेस्ट तरीका, मेरे पास क्या था, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका था, मैंने सॉल्व एग्जांपल देके, मैंने कहा अच्छा ऐसे सॉल्व करते हैं, लाओ 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 मैं कर लेता हूँ। हमेशा चीजों को ईजी बना के कर सकता हूँ, सवालों से सीख सकते हैं। जी आई ईट डिनर, थैंक यू फॉर आस्किंग। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अनुराग, शिवांश क्लियर है? जनवरी के बाद वापस से सही करेंगे। प्रॉपर तरीके से बढ़ना पड़ता है यार, प्रॉपर तरीके से बढ़ना पड़ता है। वन शॉट इज यूजफुल फॉर दोज जिन्होंने पढ़ रखा है, अदरवाइज मेरा वन शॉट, बाकी किसी का मुझे नहीं पता। मैं जो पढ़ रखा है तभी, नहीं तो इतनी जल्दी मैं बेवकूफ बना सकता हूँ? चार घंटे अगर कोई चीज, यार कोई आदमी 40 लेक्चर में पढ़ रहा है, 20 लेक्चर में पढ़ रहा है, 20 लेक्चर में कोई चीज पढ़ रहा है, एंड यू वांट इन एक ही बार में सब खत्म हो जाए, तो ये फिजिकली मतलब पॉसिबल नहीं है यार, मतलब सेंसलेस बात हो गई। और दिमाग है हमारा यार, ग्रास्प धीरे धीरे करता है। एक बार में कोई, मैंने बिल्कुल कभी लाइफ में वेव नहीं पढ़ी, पहली बार वेव पढ़ने आया हूँ, दुनिया को ही पढ़ा दे एक बार में थोड़ी समझ में आएगी, टेक टाइम बेटा। ठीक है, और किसी को कुछ बात बोलनी है तो पूछ सकते हैं। यस बेटा, PYQ कर, व्हाट डू आई ट्राई सर, डू यू ट्राई सर, ट्राई फॉर व्हाट? सभी को एंजॉय लाइफ। अभी वैसे वेव्स में बाकी हुई है, इतना ज्यादा बता दूंगा तो कुछ चमकेगा नहीं, बस हाँ मजा आ रहा करते करते जाओगे और अंत में पता चलेगा सब साफ है। इतना रोकना पड़ेगा, इतने में भी बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, कम से कम अगर तीन की जगह दो तो हो ही जाएंगे। It's a education and learning is a long term process, it's not a fast paced process. People want shortcuts साला किसी में नहीं होता, फास्ट पेस प्रोसेस नहीं है यार। इतना लर्निंग इज अ लर्निंग, उन लोगों का काम है ना, पढ़ने वालों का काम है यार, जो काम है जो भड़बड़ लाइफ में जिनकी बहुत तेजी है ना, वो धंधा करें यार, गो डू अ बिजनेस फॉर एजुकेशन। एजुकेशन इज अ वर्क ऑफ पेशेंस, पेशेंस इज अ की फॉर द एजुकेशन। आराम से सोच के करेंगे।